नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है नेक इन इंडिया। और आज की हमारी पॉजिटिव न्यूज़ है, विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अनीता प्रभा शर्मा कैसे बनी डीएसपी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनीता प्रभा शर्मा अपनी अभी तक की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करती आई हैं। उन्होंने कभी भी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानी और बहादुरी से उनका सामना किया। यही बात है जो उन्हें प्रेरणादायक बनाती है। जब लोग भाग्य को दोष देकर समय बर्बाद करते हैं, उन्होंने एक सुंदर जिंदगी जीने का फैसला किया और हमेशा के लिए अपनी किस्मत बदल ली। आज अनीता वो इंसान नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि वो इंसान है जिसने कठिनाइयों से लड़कर अपने सपने को साकार किया है। अनीता की शादी 17 साल की उम्र में उससे 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई थी। उनके घर वाले चाहते थे कि वो जल्दी शादी कर ले ताकि वो स्कूली पढ़ाई पूरी करने की जिद ना करने लगे। ऐसी लड़की जिसके मैट्रिकुलेशंस में 92% आए थे ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने ससुराल वालों की देखभाल करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। कहर तब टूटा जब फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले उनके पति का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उन्हें 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि उन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, लेकिन प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया था। यह उसके जीवन में एक बड़ा झटका था, लेकिन पूरी तरह निराश अनीता ने हार नहीं मानी और एक मजबूत इरादे के साथ उसने तय किया कि वह एक सिविल सर्विस सर्वेंट बन के दिखाएगी। हालांकि वह उस वक्त बहुत दर्द से गुजर रही थी, फिर भी उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया जिसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर पैदल चलकर एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना पड़ा। उन्होंने अच्छी रैंक के साथ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पाई। वह एक सेफ जॉब पाने में सफल हुई, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं थी। वह गवर्नमेंट जॉब में जाकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन दुखद ये रहा कि फिजिकल टेस्ट पास ना कर पाने की वजह से वह फाइनल लिस्ट में अपनी जगह ना बना सकी। इसे एक झटके की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह मानकर उन्होंने अगले साल फिर से एग्ज़ाम दिया और उन्हें सफलता मिल गई। अब तक वह अपने पति से डाइवोर्स ले चुकी थी क्योंकि एज डिफरेंस होने की वजह से दोनों का एक दूसरे को समझना मुश्किल था। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम दिया और वुमेन्स में 17th और ओवरऑल में 47th रैंक हासिल की, जिसने उन्हें स्टेट का डीएसपी बनने योग्य बना दिया। वह डीएसपी की रैंक से भी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम दिए जिसके रिजल्ट का वह अभी इंतजार कर रही है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि वह यूपीएससी के एग्जाम्स में सफल हों और सभी औरतों को उनके इस अमेजिंग अचीवमेंट पर गर्व हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंडिया की ऐसी अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nakeinindia.com पर। धन्यवाद।